जैसे कि इंडियन चाइना हमेशा की तरह फ्लड क्रिएट करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट हमेशा डंप होती है, लेकिन चाइना की आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। वो अपना डिजिटल युआन है वो 3000 एटीएम्स के ऊपर कन्वर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी के साथ इंडिया भी अपना खुद का ब्लॉकचेन बेस्ड बैंक्स लेके आने वाला है। और अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो यहाँ जो BTC है फिर $36,000 को टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द ऑल्टकॉइंस बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें शिबा इनू की, तो शिबा इनू बहुत अच्छा सर्च कर रहा था कल के दिन, लेकिन जब से न्यूज़ आई है कि कॉइनबेस प्रो अभी इसको लिस्ट नहीं करने वाला ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, ये थोड़ा डिले हो सकता है, तब से शिबा इनू में बहुत ही ज़्यादा डंप आ रहे हैं। अभी करंटली 13% से भी ज़्यादा इसका डंप चल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी वीकली इंक्रीज देखते तो अभी भी 6% इंक्रीज है। तो हम आपको पूरी जानकारी देने वाले बिटकॉइन के बारे में, इंडियन बैंक्स के बारे में जो ब्लॉकचेन बेस्ड रहेगा, इसी के साथ चाइना के बारे में जो अभी अपनी डिजिटल करेंसी ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, उसका कन्वर्जन भी शुरू कर चुका है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नया है, तो अभी से वॉल ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ आपको 24/7 सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं। और अगर आप किसी भी कॉइन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स जो है उन्होंने इनेबल कर दिया डिजिटल युआन को, जैसे कि हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही डिजिटल रुपी भी आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से चाइना का डिजिटल युआन ऑलरेडी यहाँ कन्वर्जन होना शुरू हो चुका है। 3000 ATMs हैं जहाँ डिजिटल युआन को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप है ब्लॉकचेन नेटवर्क को अडॉप्ट करने का और डिजिटल करेंसीज को अलाउ करने का। इससे पूरी उम्मीद बन रही है कि जल्द ही इंडिया भी अपना खुद का CBDC लेके आएगा, जिसे हम भी अपना डिजिटल रूपी ट्रेड कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं 15 इंडियन बैंक्स के बारे में जो अपना खुद का ब्लॉकचेन कंपनी बनाने वाले हैं, जिससे लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोसेस किया जा सकता है। इसका मेन रीज़न यह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो पेपर वर्क है बहुत कम हो जाएगा, ट्रांजैक्शन का टाइम बहुत कम हो जाएगा, इसी के साथ जो ट्रांजैक्शन की फीस है वो भी बहुत कम होने वाली है। जनरली जब भी लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार किया जाता है वो 4 से 5 दिन लेता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 घंटे के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट ब्लॉकचेन के द्वारा तैयार हो जाएगा। सबसे खास बात यह कि ब्लॉकचेन के ऊपर कभी भी किसी चीज़ का डुप्लीकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ भी 2 LCs नए इशू होंगे किसी भी सेम इनवॉइस के ऊपर। तो इस तरीके से डुप्लीकेसी भी कम हो जाएगी और ब्लॉकचेन के बेसिस पर यहाँ जितने भी एरर्स हैं वो भी बहुत कम होने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ एक्चुअल में IBBIC तैयार किया जा रहा है, जो है इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें टोटल 15 बैंक्स है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है ब्लॉकचेन के ऊपर बैंकिंग रेडी करने का। इसमें टोटल 10 प्राइवेट बैंक्स हैं, 4 state-owned लैंडर्स हैं और फॉरेन लैंडर्स भी हैं IBBIC में। मेन बैंक्स की बात करें तो इसमें RBL बैंक है, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडसइंड, येस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, IDFC बैंक। बाकी बैंक्स की बात करें तो इसमें SBI भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, कैनरा बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर भी है। तो इस तरीके से ओवरऑल सभी बैंक्स मिलकर इस ब्लॉकचेन कंपनी को तैयार कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्लॉकचेन का अडॉप्शन है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है पूरे इंडिया में, जिससे मैं पूरी उम्मीद है कि इंडिया में और अच्छी रेगुलेशंस आने वाली हैं। अब हम बाकी की बात करते हैं मार्केट की, यानी कि मार्केट वॉच कर लेते हैं थोड़ा सा। बिटकॉइन देखें तो करीब $36,000 के आसपास है, इथेरियम $2,200 के आसपास है, बहुत ही कम चल रहा है। बाकी कॉइन्स भी बहुत बुरे तरीके से ब्लीड कर रहे हैं, XRP 0.7, ADA 1.4, डॉज है वो 0.28 तक आ चुका है, यानी कि अपनी बहुत बड़ी सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। और इसके बाद बहुत से चांसेस है कि ये बहुत नीचे जाने वाला है, अराउंड $0.15 तक जा सकता है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली यहाँ है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो बढ़ती जा रही है, 45% से भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन इस वक्त बिटकॉइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है, पूरी उम्मीद है कि यहाँ से बहुत बड़ा बाउंस बैक भी लेने वाला है। और डेथ क्रॉस का हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि डेथ क्रॉस तब होता है जब 50-day SMA 200-day SMA के नीचे से क्रॉस करता है। लेकिन अगर वही ये ऊपर से क्रॉस करता है तो गोल्डन क्रॉस रहता है, लेकिन इस वक्त गोल्डन क्रॉस की कोई भी चांसेस नहीं है, डेथ क्रॉस बहुत ही क्लोज आ चुका है। लेकिन इस तरह के डेथ क्रॉस पहले भी आ चुके हैं, अक्टूबर 2019 में आया था, मार्च 2020 में भी आया था, लेकिन अभी भी उसी तरीके के पूरे चांसेस बन रहे हैं। और ऐसा जब भी होता है तो इसके बाद बहुत बड़ा डंप आता है ओवरऑल मार्केट में। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रही है, लेकिन इसके बाद अगर डेथ क्रॉस भी होता है तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट का। तो आपके क्या मानना है इसके बारे में कृपया नीचे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल वॉल ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचती रहें। धन्यवाद।